इंदौर शहर में बढ़ते कोरोना को देखते हुए रेस कोर्स रोड पर फॉरेन की तर्ज पर गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे कोरोना की जांच की जा रही है ताकि किसी तरह की भीड़ इकट्ठी ना हो सके, जिससे पेशेंट की भी सेफ्टी रहती है। शहर में बढ़ते कोरोना को देखते हुए एक डायग्नोस्टिक द्वारा फॉरेन की तर्ज पर कोरोना की जाँच की जा रही है। इसमें कोरोना की जाँच करवाने वालों को अपनी कार सहित जाँच करवाने आना पड़ता है और कार का ग्लास नीचे करने के बाद ही गाड़ी में बैठे बैठे सैंपल लिया जाता है और जांच की जाती है ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो सके। इधर हमने ड्राइव थ्रू का कॉन्सेप्ट रखा है जिसमें पेशेंट अपनी गाड़ी में ही आ सकता है और उसका सैंपल उसके गाड़ी से ही लिया जा सकता है। इससे पेशेंट की भी सेफ्टी रहती है, टेक्नीशियन की भी सेफ्टी रहती है और कन्वीनियंस बहुत रहता है। ये कॉन्सेप्ट फॉरेन में भी चल रहा है, इधर कुछ मेट्रो सिटीज़ में भी चल रहा है और पिछले 6-7 महीनों से हमने इसको इंदौर में कंटिन्यू रखा है। अभी तक किस तरीके से आपके पेशेंट आ रहे हैं और लोगों का किस तरीके का रिस्पॉन्स है? अभी पिछले 2 हफ्तों में पेशेंट लोड काफ़ी बढ़ गया है। लोग अपनी कार में वेट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। होम विज़िट हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन इतना वर्कलोड होने के कारण उसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है तो लोग इधर आना प्रेफर कर रहे हैं। कारों में किस तरीके से उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, उनका किस तरीके से कोविड टेस्ट लिया जाता है? सो कारों में सबसे पहले एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव ICMR का फॉर्म भरता है जो कि मोबाइल ऐप के थ्रू भरा जाता है। उसके बाद उससे पेमेंट लिया जाता है। पेमेंट की सुविधा वो UPI, Paytm, कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी के तरह भी दे सकता है। और सैंपल उसको बस अपने कार का शीशा नीचे करना है और सैंपल ले लिया जाता है। अभी किस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं, जो बाहर जाने वाले जांच कराने आ रहे हैं या लोकल अपनी जागरूकता के हिसाब से लोग आ रहे हैं? दोनों तरह के पेशेंट हैं। बाहर जाने वाले की भी तादाद बड़ी है लेकिन अभी ज़्यादा तादाद जो लोग सिम्टोमेटिक हैं, जिनको कुछ लक्षण हो रहे हैं या फिर जिनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जिनके कांटेक्ट में रहे हैं, वो अपने जांच करवा रहे हैं। अनुराग सोडानी, CEO संपूर्ण डायग्नोस्टिक्स इंदौर।